बढ़ते खबरों में आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। तो वहीं केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने पर बिहार में भी सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था। केजरीवाल दिल्ली में जेल से बाहर निकले और सियासत दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में तेज हो गई। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था, जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। केजरीवाल के जमानत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था और कोर्ट ने ही जमानत दी। लोगों को सजा माननीय न्यायालय देती है संविधान के अंतर्गत, बेल भी माननीय न्यायालय देता है, और जब जेल जाते हैं तो शोर मचाते हैं, जब बेल मिलता है तो ढोल बजाते हैं। केजरीवाल की जमानत पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जमानत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता। अदालती फैसलों पर हमारी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है, इस फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए। आपको बताएं कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। बीच में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। अब 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं शर्तों के साथ जमानत दी है जिन शर्तों के साथ ईडी वाले केस में जमानत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, तो अब वो कौन कौन सी 8 शर्तें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब ये हुआ कि जब तक कोर्ट का अगला कोई आदेश नहीं आता है तब तक जमानत पर रहने के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं कर पाएंगे, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। मतलब जमानत मिली है लेकिन किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने का अधिकार उनको नहीं है। तीसरा है, किसी केस से जुड़ा हुआ कोई भी सार्वजनिक बयान वो नहीं दे सकते हैं, यानी कि बयान के जरिए माहौल बनाने की इजाजत भी उनको नहीं दी गई है, कोई भी बयान वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकते हैं। चौथा है, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड ये उनको भरना होगा, ये शर्त थी उनके लिए, जिसको भरने के बाद ही केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ पाए हैं। इसके बाद पांचवा है, जांच में बाधा डालने की कोशिश वो नहीं करेंगे। मतलब शराब घोटाला केस की जांच में किसी भी तरह की बाधा केजरीवाल की तरफ से नहीं डालनी चाहिए। छठा है, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए उनके तरफ से। विरोधी अक्सर इस तरीके के आरोप लगाते हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने यह शर्त रख दिया कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे केजरीवाल। सातवां है, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। मतलब जब भी जरूरी होगा तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा केजरीवाल को, किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। और आठवां है, जांच में सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब ये हुआ कि जांच चल रही है, उसमें एजेंसियों को सहयोग करना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल की जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में उनको पेश होना होगा।